जब 5 अगस्त की तारीख आएगी, भूमि पूजन हो जाएगा, तो राम भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या बांटेगा? इसके लिए तीर्थ जो है, तीर्थ ट्रस्ट 1,00,000 लड्डू तैयार करवा रहा है। आपको दिखाते हैं डिटेल रिपोर्ट। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई, शहनाई। अयोध्या में रामलला के मंदिर का शुभारंभ होने में अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। बरसों बाद आई इस मंगल वेला की वजह से अवधपुरी में उत्सव का माहौल है। इस उत्सव के अवसर पर इन दिनों अयोध्या में लड्डू बनाने का काम तेज हो गया है। दरअसल राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के मौके पर कार्यक्रम में शामिल मेहमानों को बांटने के लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशेष कारीगरों को 1,11,000 लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है। ये आज 4 रोज हो गया बनते हुए, 1,11,000 लड्डू बन रहा है यहाँ भोग के लिए, भोग और वितरण के लिए। भोग कैसे लगेगा? भोग अध्यक्ष नित गोपाल दास जी महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलकर लगाएंगे। इन्हीं लड्डुओं का भोग लगेगा। हाँ, वो थाल में सज के जाएगा, ऐसे डब्बा में नहीं जाएगा, वो थाल में सजा के जाएगा। इस महाप्रसाद को बनाने के लिए मिर्जापुर के विंध्याचल से विशेष कारीगरों को अयोध्या बुलाया गया है। बेसन के इन लड्डुओं को बनाने के लिए गाय के शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कारीगर दिन रात लड्डू बनाने के काम में जुटे हुए हैं, ताकि समय पर 1,11,000 लड्डुओं का लक्ष्य पूरा किया जा सके। ये अयोध्या में जितने मठ मंदिर है, सभी स्थानों पर ये झोला में भर के जाएगा। सभी सामग्री है, पुस्तक है और प्रसाद का डब्बा रहेगा, और बाकी जितने भक्तजन हैं, सिक्योरिटी वगैरह के लोग आएंगे, सारे लोगों को एक एक झोला दिया जाएगा। झोला में प्रसाद का लड्डू का डब्बा रहेगा एक, और उसमें अयोध्या पर भगवान बाबा जी एक पुस्तक लिखे हैं जो है, एक है बड़े बाबा देवराहा बाबा जी महाराज भविष्यवाणी जो किए थे 1990 में कि भगवान राम का मंदिर यहीं बनेगा, सभी के सहमति से बनेगा, कानून के द्वारा बनेगा, वो पुस्तक है वाणी की। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान से वैदिक विद्वानों के साथ पूजा अर्चना करके राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद मंदिर के भूमि पूजन का प्रसाद अयोध्या से देश भर के तमाम हिस्सों में भेजा जाएगा। सिर्फ काशी मथुरा ही नहीं, बल्कि चारों धामों के अलावा हर धर्म स्थल पर प्रभु राम का महाप्रसाद भेजा जाएगा। लोगों को जो प्रसाद बांटा जाएगा वो एक झोले में होगा, जिसमें एक पुस्तक भी होगी। देखिए, ये लड्डू जो तैयार हो रहा है भगवान रामलला को भोग लगने के लिए, और अयोध्या में चूंकि भगवान रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है, और यहाँ पर 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होगा, उसमें जो लोग यहाँ पर अतिथि गण उपस्थित होंगे, उसके साथ साथ जो यहाँ के मठ मंदिर हैं, ऐसे 7,000 मठ मंदिर हैं जिसमें भगवान राम विराजमान होते हैं माता जानकी के साथ, तो उन सब के मठ मंदिरों में परम पूज्य हंस देवराहा बाबा के माध्यम से ये प्रसाद जो है उन तक पहुंचने वाला है, स्टील के बर्तनों में, स्टील के एक डिब्बे में पैक होकर। कोई 20 लड्डू का कोई पैकिंग है, कोई 11 लड्डू का पैकिंग, कोई 5 लड्डू का, तो इस प्रकार से पैक करके इनको वितरित करने की जिम्मेदारी ली है यहाँ पर लोगों ने। और ये मणि रामदास जी की छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में तैयार हो रहा है, और पूज्य हंस देवराहा बाबा इस प्रसाद देवराहा हंस बाबा जो है वो इसकी पूरी योजना रचना उन्हीं के हाथों में है, उनके शिष्य गण यहाँ पर उपस्थित है, उनके देखरेख में ये बनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से भूमि पूजन कार्यक्रम में 500 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन ट्रस्ट इस अवसर पर 1,00,000 से ज्यादा लड्डू बनवा रहा है, ताकि रामलला के ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक भगवान का प्रसाद पहुंच सके। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है महाप्रसाद को तैयार कराने की, और जिस दिन भूमि पूजन हो जाएगा भक्त यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। राम जन्मभूमि पर तो आएंगे ही, दर्शन तो मिलेंगे ही, और उसके साथ साथ मिलेगा महाप्रसाद।